हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल डॉक्टर राम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज आपके लिए मैं लाया हूँ स्कार लाइट क्लियर एंड क्लीन क्रीम। तो दोस्तों आज इसके बारे में जानेंगे पूरी जानकारी, कैसे इसका उपयोग है, क्या इसका काम है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरे आपको न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो जैसा कि आपको दिख रहा है दोस्तों, स्कार लाइट ये क्लियर एंड क्लीन क्रीम है और बहुत अच्छा शानदार क्रीम है दोस्तों। और इसका जो कॉम्बिनेशन है हाइड्रोक्विनोन ट्रिटिनोन नॉइन एंड मोमेटाजोन फिरोटे क्रीम है दोस्तों, फिरोटे क्रीम है। तो दोस्तों ये 15 ग्राम की पैकिंग में आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। ग्लोबेक्स हेल्थ केयर का ये प्रोडक्ट है और इसका जो MRP है दोस्तों, ये 153 रुपये इसकी MRP है। और दोस्तों ये जैसे पिंपल्स के जो दाग हो जाते हैं आपके चेहरे में या स्किन में, कहीं भी दाग हो जा रहे हैं, जैसे स्किन में दाग हो जा रहे हैं उसके लिए एक्ने जेल, जैसे किसी भी कहीं भी चेहरे में आपको दाग हो रहे हैं तभी इसको यूज़ किया जाता है। और ये बहुत शानदार क्रीम है दोस्तों। और इसको यूज़ करने का जो तरीका है वो आपको मैं बता दूँ कि इसको रात में ही लगाना है, और अगर दिन में इसलिए नहीं लगाना क्योंकि दिन में हम धूप में जाते हैं तो उसके कारण से बहुत दिक्कतें होती हैं इसको लगाने के बाद। तो इसको रात में ही यूज़ करें सोते समय, और सुबह जब भी घर से बाहर निकलें तो मॉइस्चराइजर क्रीम एक आप कैरी करके चलें, उसको लगाने के बाद ही घर से धूप में निकलें। और उसका भी जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है वो भी अच्छी वाली लें, जिसका 2 से 6 यानी 6 घंटे के बीच में उसकी लगाने के बाद उसकी सर्विस मिले आपको, यानी वो काम करें, तब आप उस अच्छी वाली क्रीम आप यूज़ करें, ठीक है। और उसका भी आपको मार्केट में अच्छी से अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम मिल जाएगी। उसमें आपको ध्यान रखने की चीज़ ये है कि उसमें SP कुछ रहता है, वो आपको देखना पड़ेगा, पॉइंट्स कुछ रहते हैं तो वो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और इसको लगाने के बाद आप बार बार, जब आप दिन में इसको जरूर अपने चेहरे को कम से कम 3 से 4 बार धोएं, तब जाके ये बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है, ठीक है दोस्तों। और कोई भी समस्या होती है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, और बिना अपनी डॉक्टर के सलाह के किसी भी चीज़ को यूज़ ना करें, मेडिसिन है, क्योंकि मेडिसिन के रिएक्शन भी होते हैं, कई बार स्किन रिएक्शन भी हो जाते हैं, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना इसको यूज़ ना करें, ठीक है। और जब भी यूज़ कर रहे हैं तो डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहें, और कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत आप उनसे उस समस्या के बारे में बात करें, तो उसका जल्दी से जल्दी आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप उससे बच पाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये और जो भी आप जानकारी लेना है इसके बारे में पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।